अस्सलाम वालेकुम जी, आपको मिलवाने जा रहे हैं उन प्लेयर्स के साथ जो कि लाहौर कलंदर्स के वो प्लेयर हैं जो रौनक भी हैं और परफॉर्मेंस भी बड़ी अच्छी देते हैं, और उनका मुझे वो मैच भी याद आ गया। उस मैच की भी याद ताज़ा करेंगे जिसमें बहुत ज़्यादा टर्न हो रही थी बॉल, और क्वेटा का सेकेंड मैच जो हुआ था उसमें बहुत जल्दी आउट कर लिया गया था क्वेटा को। तो मेरे साथ मौजूद हैं फरजान राजा, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जनाब हमारे साथ हैं दिलबर हुसैन लाडी, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, अस्सलाम वालेकुम। लाहौर कलंदर के फैंस कैसे हैं आप? बेहतरीन। अच्छा जी, कैसा चल रहा है आपका ये बायोसिक्योर बबल का एक्सपीरियंस? इसमें ये कह सकते हैं कि हम अच्छा खासा आपस में फन कर रहे हैं, क्योंकि अब यही कुछ रह गए उसमें, ये आप बाहर नहीं निकल सकते और किसी और बंदे से मिल नहीं सकते। अपनी टीम मेट्स के जितने भी बंदे हैं उनसे शुगर मेला मजाक और गेम वगैरह, और काफ़ी चीज़ें जो शुगर की बात कर रहे हैं वो जब अपलोड होंगी हमारे सोशल मीडिया पर तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह बोरियत को किल किया जा रहा है और फन किया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, कि आपको क्रिकेट में भी एंटरटेन कर सकें छक्के चौकों और विकेट के साथ, और उसके साथ साथ ऑफ द फील्ड हम फन करके अपनी लाइफ को भी इंजॉय करें, खुद भी बोर ना हो और आपको भी बोर ना होने दें। राजा जी आप सुनाए, कैसा एक्सपीरियंस? बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस जा रहा है। बायोसिक्योर बबल का हिस्सा तो काफ़ी देर से है लेकिन अब BSL दोबारा आई है तो बहुत इंजॉय कर रहे हैं, फन करने की कोशिश कर रहे हैं। और ऑब्वियसली जब हमारे साथ लाडी हो, दिलबर हुसैन लाडी हो हमारे अंदर सबका, और हारिस रऊफ हो, तो आप यकीन करें आप बोर नहीं हो सकते, और स्पेशली मास खान हो तो आप बोर हो ही नहीं सकते। अच्छा मैं लाडी की तरफ आता हूँ। लाडी पहला ही सवाल मैं आपसे ये पूछूंगा, राजा अगर क्रिकेटर ना होते तो क्या होते? राजा अगर क्रिकेटर ना होता तो राजा डेफिनेटली एक्टर होता, माशाल्लाह आउटस्टैंडिंग एक्टिंग। एक्टर डिफरेंट होते हैं, सीरियस भी होते हैं और कॉमेडियन भी होते हैं। और समझता हूँ तुम्हारी बात, तुम ये जहाँ से आ रहे हो मैं समझता हूँ बेटे, कोई बात नहीं, यहाँ से आ रहा हूँ, यहाँ से आ रहे हो, आते रहो आते रहो जी। आप कुछ बोल रहे हैं, इनकी केमिस्ट्री चेक कर ले आप। अच्छा राजा की पर्सनैलिटी को एक्सप्लेन करें, क्या है राजा? राजा बस बोल दी कार यार मैं कंटिन्यू करने दे, राजा ही तारीफ ही होनी है, बताएं। राजा अपने आप में हीरो है माशाल्लाह, और वाकई है, वाकई आपको लगते हैं राजा डेफिनेटली हीरो है? डेफिनेटली अपने अपने वालदंग अच्छा वालदंग को सारे बच्चे पसंद होते हैं। अच्छा एक चीज बताएं, मैच के दौरान क्या हीरोपंती करते हैं, मतलब हीरो बनने की कोशिश करते हैं? कि जैसे मैं उस मैच की बात कर रहा था जिसमें इतनी बॉल टर्न हो रही थी कि राजा को खुद समझ नहीं आ रही थी कि वो, राजा भी बताएंगे, राजा भी आपके पास आया था सीनियर? हाँ वो बड़ा जबरदस्त बात है कि देखिए मैच का जो माहौल होता है ना बड़ा सीरियस होता है, अब सारी आवाम को बताइए मैच होता है, हम मैच में बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग में कर रहे हो, मेरा बहुत बड़ा टर्न हो रहा है तो शॉर्ट मिड विकेट पे खड़े हुए थे लाडी, तो मैंने लाडी को इशारा किया, मैंने कहा लाडी बात सुन, लाडी आया मेरे पास तो लाडी कहता हाँ सब सही जा रहा है, मैं कहा हाँ बेहतरीन, मैं कहा यार बहुत बड़ा टर्न हो रहा है, उस टाइम बड़ा सीरियस माहौल था, इसने मुझे क्या कहा अपनी जुबानी सुना दी, ये मुझे कहता है, मैंने कहा यार राजा कैसा था, कहता यार मेरा आज बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है, तो मैंने उसको बोला कि आज गेंद के ड्राइवर बिठाया बहुत ज्यादा टर्न हो रहा है। एक अच्छा एक और भी बात आपने ऑफ द रिकॉर्ड बताई थी, वो भी जरा बताइए कि सेकंड हर बॉल पे कहीं ना कहीं आपकी बातचीत चल रही थी तो सेकंड भी आपने कोई बात कही थी जिसपे क्या क्या मच गए थे? हाँ वो ऐसे था, मैं सोच रहा था, मतलब जिस तरह रवि बुपारा और शान भाई खेल रहे तो रवि बुपारा राइट हैंड बैट्समैन है तो उसको इसका टर्न बाहर निकल रहा है, आप ये देखें कि बंदा डीप मिड विकेट से आया होगा ये बात करने मेरे पास उस टाइम पे मैं सोच रहा हूँ, मैं कहा यार अच्छा तरह थोड़ा सा इधर करता हूँ, ये आया मेरे पास डी मेड से, मैंने कहा पता नहीं क्या कहने आया, मैंने कहा हाँ लाडी, तो मैंने इसको बोला कि यार मैंने कहा यार रवि बुपारा यही कहता होगा यार इसका बॉल बड़ा टर्न हो रहा है, तो शान मसूद इधर से खड़ा हो गया यही कह रहा है अगर ज्यादा बाहर निकले तो कुंडी ला लमी, लेकिन ज्यादा बाहर निकले तो कुंडी ला लमी। भाईजान ये मैच के दौरान लोग तो प्रेशर में होते हैं, हम हमारे खुद सांस सूखे होते हैं कि पता नहीं क्या करने वाले हैं, जीतेंगे हारेंगे क्या करेंगे, आपके जहन में मतलब इतना आप कैसे इतने चिल होते हैं? नहीं जोहेब भाई इतने ज्यादा चिल नहीं होते, जब देखें मैच की सिचुएशन अच्छी हो ना, मैच आपके हक में जा रहा हो सही, तो फिर वहां पर बंदा हर टीम वाले करते हैं,
जब मैच में थोड़ा सा ये होता है कि मैच बुरा जा रहा है, कुछ बॉलिंग अच्छी नहीं हो रही या बैटिंग अच्छी नहीं हो रही, तो सभी सीरियस होते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन चिल करने की कोशिश करते हैं एक दूसरे को ऊपर उठाने के लिए। यहाँ मैं ऐड करूंगा कि ये लड़ी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनका कहने का मतलब ये है कि जब भी मैच हो रहा होता है तो उसमें जब तक आप मैच को एंजॉय नहीं ना करते, बिल्कुल ये हमें, ये हफीज भाई वगैरह से हमें यही सीखने को मिलता है कि हफीज भाई भी इवन के जो हमारे पास आते हैं तो वो पूछते हैं हाँ ठीक ठाक है ना, हाँ जी, वो ये नहीं बताते कि तुमने बॉल कहाँ करना है या तुमने फील्डिंग क्या ली हुई है, वो हमें जरा थोड़ा सा रिलैक्स करने को कहते हैं एंजॉय करना है इस मोमेंट को। तो वो लाडी को कहना चाह रहा है कि हम मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। अब क्योंकि देखें स्किल तो सबकी एक होती है, देखें उस पर जो महारत जिसको जितनी होती है उसने उसको दिखाना होता है। तो शरारतें भी हमें जाननी है, फैंस को सिर्फ एक्सप्रेशन नजर आते हैं, आपके विजुअल्स नजर आते हैं, शरारत क्या जरूरी होती है ड्रेसिंग रूम में और ग्राउंड में भी? ग्राउंड में तो वैसे मार्जिन ही मिलता होगा, यह होता है कभी कभी, मतलब आउट हो जाए तो आउट होने के बाद कुछ आपस में हंसी मजाक हो जाता है, क्योंकि आप देखें ना हम इतने सीनियर नहीं है, जूनियर है, तो जूनियर को जरा सीनियर का ख्याल रखना पड़ता है, कि उनके सामने थोड़ा छुप छुप के शरारतें चलती रहती हैं। हम आपस में ड्रेसिंग रूम में क्या शरारत होती है, मतलब कोई चीज छुपा ली ड्रेसिंग रूम में, मतलब इस तरह कह दिए जिस तरह राजा आप गटर के बाहर खड़ा होगा ना, क्लेशन लेके खड़ा होना, क्या हुआ कहते यार मेंढक गालियां निकाल के दौड़ गया, इस तरह के सीन। अब मैंने पैड करके खड़ा हूँ, लाइक मैं प्रैक्टिस के सेशन के लिए जा रहा हूँ, तो लाडी साहब ने अंदर आना और लाडी साहब ने कहना है हाँ वो इतना तैयार खड़ा किधर जा रहा है, मैंने कहा बारी देने जा रहा हूँ, कहते अच्छा मुझे लगा तू जंग लड़ने जा रहा है, मैं कहा नहीं यार क्या हो गया। तो इस तरह की शुगर मेले लगाते रहते हैं, जिस तरह ये मेंढक वाली इसने लगा दी मुझे, और इस तरह मास खान का बड़ा शुगर लगाते रहते हैं, बड़ा इंजॉय होता है। अच्छा मुझे बताएं कि आपकी टीम में सबसे ज्यादा शुगलिया, जो वर्ड हम यूज करते हैं कि बहुत ही ज्यादा शुगर करने वाला बंदा कौन है? हम अपनी टीम में देखे, मैं और राजा मास खान एंड फिजान भट्टी, हमारा वो शुगल करते हैं या उनका शुगल होता है? नहीं हम आपस में शुगल करते हैं चार बंदे, और अच्छा। ज्यादातर टीम जो हमारी टीम है बाकी मेंबरों, यार सब छोड़ो यार सच बोलो यार, देखिए सीधी सी बात है, हम है टीम के यंगस्टर्स ठीक है, अब हमारी नेचर है कि यार हम इंजॉय करते हैं सही है, अब टीम के अंदर मैं और लाडी है मुझे लगता है जो ज्यादा शुगर लगाते हैं, या जिनका जेन होता है कि थोड़ा सा शुगर लगाया जाए, लेकिन हाँ आप हमारा चेहरा नहीं पढ़ सकते, ये इसने बात की, हमारा चेहरा नहीं पढ़ सकते क्योंकि चेहरा हमारा ऐसे होता है बिल्कुल फोकस्ड। आप में से कोई प्लेयर ज्यादातर मिमिक्री भी कर देते हैं अपने किसी प्लेयर की, किसी को जानते हो तो भाई ऐसा टैलेंट है कि आप एक दूसरे की नकल उतारते हो लाइट ऑन, किसी को कोई गुस्सा करने की जरूरत नहीं होगी अगर आप शेयर करना चाहें थोड़ी बहुत जरा, अगर और अगर नाम नहीं बताना चाहते तो ना सी, बट थोड़ा सा टैलेंट दिखना चाहिए। कोई भी जिस तरह से भाई आप है राजा है तो हम एक दूसरे को जरा शुगर मेला लगाने के लिए कहते भाई सांप है, सोहेब भाई सांप नहीं है अस्था है, ये तुमने क्या कहा, इसने बोला नहीं कैसे सोहेब भाई सांप है, शरारतें शुरू हो गई शो में भी, बताइए। हम ज्यादातर मतलब मास खान को तंग करते तो क्या करता है मास, मास की थोड़ी सी मास की गैर मौजूदगी में, वैसे एक चीज को सेकंड करेंगे आप, हफीज भाई ने इंकशाफ किया था, मैंने उन्हें पूछा कि सबसे ज्यादा आपको शुगलिया कौन लगता था, कहते हैं ये जो यंगस्टर है ना हमारे ये आपस में बड़ा मजाक करते हैं, वो बड़े इंप्रेस हैं, तो आपने बताया मास की जरा बताइए मास क्या करते हैं? मास को जो माशाल्लाह से ना हर चीज जहाँ लेट समझ आती है, अच्छा हम मास कहेंगे मास बॉलिंग करनी है क्या करनी क्या बोले उसको, हर चीज जो है ना वो 15-15 मिनट बाद समझ आएगी कि बेटे ये करना है, ये बुला रहे हैं फील्डिंग के लिए बुला रहे हैं, मैं हम टीम मीटिंग हो रही है, मीटिंग में बातचीत चल रही है कि यार ये करना है ये करना है ये करना है, सारी मीटिंग खत्म हो जाएगी लाडिया मेरे पास आ जाएगा क्या बोले यार इन्होंने। हालांकि मैं इसमें ऐड करता हूँ रिसेंटली वाकिया तो बड़े हैं मास के, बहुत ही क्यूट वाकियात हैं वो, ऐसे है ना कि उसको उर्दू जो है ना वो कम समझ आती है, जब हम थोड़ा सा तेज बोल जाते हैं ना उर्दू तो वो बोलते हैं यार क्या बोल गया पश्तून है ना, तो उसका एक वाक्या जी जी बताइए याद आया तो देर लिख लिया हाँ जिस तरह अभी अभी रिसेंटली पता है अभी जो रिमाइनिंग मैचेस रहते हैं PSL 5 के, तो उसमें ना ग्रुप में मैचेस मैसेज आया ग्रुप में मैसेज आया कि आपने ना इतने बजे ग्राउंड के लिए निकलना है, तो मेरे पास आया मुझे बोलते हैं लाडी कितने बजे निकलना है ग्राउंड में, तो मैंने उसको बोला यार 2 बजे 3 बजे निकलना है, कहता नहीं मुझे ग्रुप वाला समझाओ 16 बजे 17 बजे 18 बजे वो वाला समझाओ मुझे,
यार वो वाकई याद है ऑस्ट्रेलिया में जो घड़ी ली थी वो फिटबिट, वो कोई फिटनेस वॉच का, आप दोनों में से किसी को पता है? आप साथ ही थे मेरे ख्याल से, तो थोड़ा सा बताएंगे मास के उस वाकई से ली थी मास, और उसमें वो खुशदिल क्या उसका नाम, वो खुद नहीं नहीं वो बेसिकली सज्जाद हाशमी की बात है, उन्होंने इकट्ठे शॉपिंग की थी इकट्ठे, ये ना हारिस रफ ले गया कहता हम ना घड़ी लेके देता हूँ आपको क्या फिटनेस के लिए, वो कैसे लेके गया हारिस रफ, हारिस रफ ऐसे ही लेके गया भाई जरा आओ मेरे साथ मैं शॉपिंग वॉपिंग कराता हूँ, तो वो चले गए आज जरा ऑफ लगा हुआ है ऑस्ट्रेलिया में, तो सज्जाद हाशमी और माज खान चले गए, अब ना हारिस के पास वो घड़ी थी तो इन दोनों को बहुत पसंद थी कि हम ये हमने भी ये लेनी हमने भी लेनी हाँ हमने इस तरह की लेनी, अब वो चले गए तो उधर जाके देखा वो, अब पता नहीं इनको कि वहां पर क्या सीन चल रहा है, तो देखा घड़ी के ऊपर वो घड़ी का डिजाइन वगैरह बना हुआ है डब्बी के ऊपर, तो सज्जाद हाशमी ने एक डब्बी ली तो पता चला $120 की, उन्होंने बोला मतलब हारिस की घड़ी से सस्ती मिल गई, हारिस की घड़ी जो है ना वो $400 या $500 की थी, अच्छा तो इनको वही घड़ी $120 में मिल गई, तो अच्छा दूसरी डब्बी उठाई वो उस पे डिजाइन थोड़ा और बना हुआ था माज खान वाली, बिल्कुल तो माज खान ने वो पकड़ी, माज खान ने बोला मैं तो ये ही लेगा मना, अच्छा वो अब देखी तो वो भी $140 की होगी, अच्छा उसके बाद ये हुआ कि जब वापिस आए ना होटल में तो ये बड़े खुश के यार बड़ी बात है $500 वाली घड़ी जो है वो $120 में या $140 में उसको मिल गई अच्छी वाली, बिल्कुल ऐसी, तो उसने बोला यार खोलो सी इसमें देखो किस तरह की घड़ी है, तो सज्जाद हाशमी ने अपना वो डब्बी जो वो खोली तो उसमें से सेल निकले घड़ी के, जो हारिस रऊफ ने पहनी थी ना घड़ी उसके सेल निकले, उसके सेल निकले, अच्छा उन्होंने ली उसकी घड़ी की तस्वीर देख के घड़ी ली अपनी तरफ से घड़ी ली, तो माज खान उसी टाइम बोलता है अल्लाह खैर करे मेरी डब्बी में पता नहीं क्या होगा, उसने अब अपनी डब्बी खोली तो उसमें उसी घड़ी के पटे निकले स्ट्रैप्स निकले जी, तो वो दोनों एक दूसरे की तरफ देख रहे हैं कि तेरे पास सेल है मेरे पास पटे है, तो टाइम किधर से देखेगा तो मैं उसको बता रहा हूँ यार तुम ये रख लो पटे वैसे, तो मुझे याद है वो ही स्ट्रैप लेके गया उधर सहारिस के पास मास और जाके था हारिस ये तुम रख लो तुम इसका चेंज करते रहना और टाइम मुझे बताते रहना, मतलब कि इस तरह की हरकतें बहुत ज्यादा हुई हैं, अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट शो में, शो कर लंबा करने का बहुत दिल कर रहा है कि आपका टाइम ज्यादा से ज्यादा लिया जाए, लेकिन हम नेक्स्ट शो में बाकी वाकियात को छोड़ते हैं और ये हैं कलंदर्स की क्रिकेट से हटके बातें और क्या फन होता है वो आप भी सुन रहे हैं आप भी देख रहे हैं, मिलेंगे अब आपको नेक्स्ट शो में, और थैंक यू दिलवर, थैंक यू फरजान राजा, ऑलवेज बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।